नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक ऐसे गरीब और लाचार ख़ानदान पर मुश्तमिल है जिसे अल्लाह करीम ने औलाद जैसी नेमत से नवाज कर उनके सब्र का इम्तिहान भी लिया है। ये दो बच्चे, जिनमें एक बेटा जिसका नाम मुस्तकीम और इसकी बहन जिसका नाम नजम है, ये बच्चे पैदाइशी तौर पर माजूर हैं। मजूरी की ये हालत है कि ये अपने वजूद को भी नहीं संभाल सकते, हत्ता कि ये अपने जिस्म पर बैठी मक्खी को भी नहीं उड़ा सकते। इनका वालिद मजदूर है और इसी वजह से घर पर मौजूद नहीं था। दोस्तों, औलाद जैसी भी हो, अपने वालदैन के लिए आंखों का नूर और दिल का सरूर होती है। इन बच्चों की मां का कहना है, मेरी ये हसरत है कि काश मेरे बच्चे मुझसे कुछ फरमाइशें करते, मैं अपनी गुर्बत के बावजूद इनकी फरमाइशें पूरी करती। मैं जब इनको देखती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। गुर्बत का ये आलम था कि बच्चों को मक्खियों ने तंग किया हुआ था और उनके मुँह में मक्खियाँ ही मक्खियाँ जा रही थीं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि उनको मक्खियों से बचाने के लिए नेट खरीद सकें। जाहिर है, माँ हर वक्त अपने बच्चों के पास नहीं बैठ सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस फैमिली को एक अदद मॉस्किटो नेट फौरी तौर पर अरेंज करके दिया और गर्म जैकेट्स भी दीं ताकि स्पेशल बच्चे सर्दी से भी महफूज रह सकें। फ्रेंड्स, खसूसी ज़रूरियात रखने वाले और माजूर बच्चे पाकिस्तानी माशरे के सबसे ज़्यादा दीवार से लगाए गए तबकात में शामिल हैं। ना ये किसी को दिखाई देते हैं, ना इनकी कोई पहचान है, ना इन्हें कोई याद रखता है। लोगों के रवैये अक्सर लाइल्मी और जहन में दबी बेबुनियाद मनगढ़ंत बातों पर मबनी होते हैं। कई घरानों के लिए दूसरे लोगों के रद्दे अमल सहना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो अपने खसूसी बच्चों को दुनिया के सामने लाने से डरते हैं। इस्लाम से कबल माजूरों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी, लेकिन इस्लाम आने के बाद भी जाहिलियत और इस्लामी तालीमात से अदम वाकफियत की बुनियाद पर माजूरों को माशरे पर बोझ तसव्वुर किया जाता है और ज़्यादातर माओं को ऐसे बच्चे जन्म देने पर कसूरवार ठहराया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, और यूं ये माएँ सारी ज़िंदगी ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन दर हकीकत, अगर किसी के घर में पैदा हुआ माजूर बच्चा या बच्ची, इसके लिए मगफरत का आसान सामान है। अगर वो इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से पूरा कर पाए तो रोज़े हिसाब वो बाकियों से कहीं ज़्यादा आसानी महसूस करेंगे। बेशक ये बच्चे इस दुनिया में माजूर ही सही, लेकिन बरोज़े आखरत ये हर किस्म के सवालात से बरी ज़िम्मा बग़ैर किसी परेशानी के जन्नत में चले जाएंगे, और वो लोग जो दुनिया में इन्हें कमतर और हकीर समझते थे, उनकी खुशकिस्मती पर रश्क करेंगे। आइए इन जन्नतियों की थोड़ी सी मुश्किलात कम करें ताकि बरोज़े क़यामत ये जन्नती अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल से हमारी सिफारिश कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आज मैं इस बुज़ुर्ग के पास आया हूं, जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले, आपने ये सारे हालात देख लिए हैं। ये इनके पोते हैं, एक पोता है और एक पोती है, और बाकी इनके साथ तफसीलात जो हैं पूछते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह बयान करूँ इनके हालात। एक तो गुर्बत है, और इनका जो बेटा है, इन बच्चों का वालिद, वो एक मज़दूर आदमी है, मज़दूरी करता है। सो जानने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सा ऐसा काम करके इस बुज़ुर्ग की या इनके बेटे की परेशानी को कम कर सकते हैं। औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत होती है, लेकिन ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये माएँ और वो वालदैन बेहतर जान सकते हैं कि वो किस तरह इस परेशानी से, इस मुसीबत से नबर्द आज़मा हैं, कैसे इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुज़ुर्गों, क्या नाम है तुहाडा? मेरा नाम अल्लाह डिगाया। अल्लाह डिगाया साहब, ये तुहाडे क्या लगदे ने बच्चे? ये मेरे पोतर हैं, पोतरी एक, पोतरी एक पोतरा। अच्छा, बच्चे का नाम क्या है? जड़ा बच्चा का नाम मुस्तकीम। अच्छा, जेरी बच्ची है उनका नाम है नजम ममाई। नजम जी। अच्छा, मुस्तकीम दी कितना उम्र है तकरीबन? मुस्तकीम दी तकरीबन 11 साल उम्र है। अच्छा जी। और जड़ी बेटी नजम है? उनकी तकरीबन 13 साल उम्र है। 13 साल जी जी। अच्छा, ये दसो, ये बच्चे पैदाइशी में या बाद च? ये सी पैदाइशी में। अच्छा, इना दा कोई इलाज मुआलजा भी कीता? अच्छा, इलाज बड़ा कीता। अच्छा, इलाज कीते डॉक्टर को कराएन, मकसद के फुल तवीज कीते फुलें को भाई पीर फकीरे को जी जी। डॉक्टर इलाज ही बड़े कीते, कार मकसद के नहीं ठीक थे शुदे।
कने आखे भाई ये जरा मुस्तकीम दा आखे ने कि ये तकरीबन 8 साल के जले उत्ते थी सी ये झले सी ते कुछ उठी बासी खा लेकिन इन टाइम में अपने आप को जल नहीं जाल सकदे ये अपना जेड़ा मक्खियां वगैरह उन को ना कशा ना बिल्कुल वो बावे मुंह में कशा कोई बा ये खाना पीना भी कदी मंगे ना नहीं मंगदे बिल्कुल ना खवाओ ना खवाओ ना पिलाओ मकसद के आप जोर ही मकसद है कोने खावना खड़ा बना कराई उन्हें को खवाओ ते वाल ओ पीछे चमची नाल अच्छा चमची नाल वो भात लो कूला गिजा बना करें चमची नाल खवाना अच्छा ने वाले सब क्या करेंगे ओ हुन उमे त मजदूर आदमी हुन गड्डी चलेंदे डरे वारे अम्बा चौड़ा काई नहीं अच्छा हुन असा तोडी ये मुश्किल किस तरह आसान कर सकदे हैं मतलब इन बच्चों वास्ते असा क्या कुछ ऐसा करूं जिने वास्ते इन नाल कोई आसानी थी वने या तोडे बेटे वास्ते कोई ऐसी चीज कि वो मजदूर आदमी चलो घर रह के कोई इस तरह का निज़ाम करे कोई ऐसी चीज़ ओ से जो ये पता नहीं जो वो आखो भाई तू घर कोई दुकान वगैरह जाओ कोई कारोबार कोई कार तो चलो भाई तू खड़ जी इस बुजुर्ग का कहना है कि इनके जो है ना जो बेटा है वो एक मजदूर आदमी है वो किसी के हाँ एक ट्रैक्टर चलाता है आजकल और 10 से 12 हज़ार रुपये मंथली उसकी जो सैलरी है वो लेके आता है और ये बच्चे पैदाइशी मजदूर हैं 10 से 12 साल इनकी उम्रें हैं बच्ची है और बच्चा है लेकिन ये पैदाइशी तौर पे ना इन्होंने कभी खाना मांगा है लिक्विड चीज़ें उनको खिलाते हैं जूसेस और नरम गिज़ा खिला सकते हैं इसके अलावा रोटी वगैरह भी नहीं खिला सकते इनको और ये बच्चे ना अपने मतलब इनके ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं कुछ बैठ रही हैं इनमें इतनी तौफीक नहीं है कि उसको एक साइड पर कर सकें तो ये इनकी कंडीशन है और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये एक गरीब ख़ानदान है अगर कोई हमारा भाई अल्लाह का नेक बंदा जो इनकी हेल्प करना चाहे ताकि इनके मसाइल में थोड़ी सी कमी लाई जा सके इनकी परेशानियां कम हो सकें और इनकी प्रॉपर देखभाल हो सके कम से कम जो इनके ऊपर ये छोटी सी परेशानी और मुसीबत आ गई अल्लाह ताला की तरफ से वो कम हो सके अच्छा चाचा ये मैं पूछना चाहना कदें इस परेशानी दे विच कोई अल्लाह ताला को लो कोई शिकवा शिकायत होवे कदें कीती होवे तुसा या कदें दिले च आया होवे के पता नहीं साडे उते क्या थी गए कोई ऐसी सोच इतनी कैसी कोई सोच का नहीं बस हर वक्त नमाज पढ़ने दुआई मंगदा अल्लाह सिया इन्हें को दुख दिते भी अल्लाह जाने साडे को जुर्म है क्या वजह है मेहरबानी कर इन्हें दुख तक तकलीफ कट परेशानी ना खवा पिला संगदे ना उठन चलो भाई बंदा उठन पटोन फिरन होंदे खावन उठन मान वगैरह होंदे पिया परेशानी यही है मकसद ने बच्चे ने यकदम परेशानी है यकदम बिल्कुल ठीक है जी अल्लाह रब्बुल इज्जत को लो कहीं भी इंसान को ना शुक्र नहीं होना चाहिए दुआ मांगदे हूं दे को लो लाख लाख शुक्र है जी ए चलो दुख दे भी दुख ना लेवे आमीन ये दुआ मांगदे हूं कने ते शुक्राना अदा करू दी जात लाख लाख एहसान है ते चलो उंदे मां पियो है असा हौले डाडे साडे बिघा कनान मल्ला है रोजी बदे चलो हौले डाडी जेरी नसीब दी है छोदे वो पैन खांदे पैन लेदे पैन अच्छा दोस्तों इनके वालिद साहब का इनके बच्चों के वालिद का नंबर है मैं आपको दे देता हूं अगर किसी भाई ने कुछ डोनेशंस या इनके लिए कोई आसानियां पैदा करने की कोशिश करना चाहता है ताकि इस खानदान की मुश्किलात कम हो जाएं इनके वालिद के लिए कुछ थोड़ी सी कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए मैं आप लोगों के साथ नंबर शेयर करता हूं इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को हमारे से किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं लेकिन मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस ख़ानदान को अप्रोच करें बेशक आप जितनी भी कर सकते हैं ताकि इस ख़ानदान की इन बच्चों को देखते हुए इनकी सिचुएशन और इनके वालिद एक मज़दूर हैं उसको देखते हुए इनकी थोड़ी सी जो है ना मुश्किलात हम कम कर सकें मैं आपके साथ नंबर शेयर करता हूँ 03469852786 03 5852786 ये इनका नंबर है आप इस नंबर पर रابطہ करके किसी भी किस्म की कोई मालूमात है केस को वेरिफिकेशन करना चाहते हैं इनसे कोई भी इनकी दुखों में थोड़ी सी कमी लाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रابطہ कर सकते हैं और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दें ताकि ना लोग इन तक अप्रोच कर सकें अगर आप खुद नहीं इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते तो किसी अपने ऐसे दोस्त को ज़रूर भेजें जो इनकी हेल्प आउट कर सके आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे आपको सबको परेशानियों से महफूज रखे अल्लाह हाफिज़।